हमारे दोस्त नदीम साहब मौजूद हैं। नदीम भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। तो नदीम भाई, ये क्या सिलसिला है जो कॉन्स लगाई गई है कैनाल पे, किस खास मकसद के लिए? ये खास मकसद है बाइक सवार आ जाएं कि वो इस लेन में रहें और बाकी जो ट्रैफिक है वो उधर रहे, इस लेन में गाड़ी ना आए और बाइक वाला उस लेन में ना जाए। थोड़ा सा इधर हो जाता है कि हम रास्ता बंद ना करें, अगर वो बाइक वाला गुजरे भी तो वो तरीके से गुजर जाए। ये सिर्फ इसी पैच पे है कि पूरी कैनाल पे है? ये कैनाल के मुख्तलिफ हिस्सों पे यानी कि इसका वर्किंग इसकी की गई है। ठीक है। अभी इसका क्लोजिंग का टाइम है? अभी क्लोजिंग का टाइम है। ठीक, कितने बजे से सुबह कितने बजे तक? ये सुबह होता है 8 बजे में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 5 बजे 5 बजे क्लोजिंग, 5 बजे आप कौन उठा लेंगे? उसके बाद फिर अलाउ है कि किसी भी लाइन में जाएं, गाड़ी वाला इधर आ जाए? अलाउ तो नहीं है, मगर असल में ये लोगों को अवेयरनेस देने का मैसेज। ठीक है, इसका मकसद ये है। मकसद ये है, आप को यहाँ पे ये लगाई नहीं जा सकती, इसकी वजह ये है कि लोगों को अपनी लाइनों का पता ही नहीं है कि हमने कौन सी लेन इस्तेमाल कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। ये जा रहा है आपके सामने ट्रक जो जा रहा है, बिल्कुल वो इसकी लेन, इसकी लेन कौन सी है? इसकी लेन भी यही है, मगर यही वाली है जी, बिल्कुल इसकी भी यही है, मगर ये झाड़ियों की वजह से ये लोग ऊपर वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब ये ट्रक यानी कि सेंटर में आ जाते हैं, ये रास्ता इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, सारे ट्रक यहाँ बाहर चुके हुए हैं तो वो उनकी गाड़ी का नुकसान होता है। गाड़ी का भी है और ट्रक का भी है। ट्रक का भी है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो वो फिर सब इस तरफ चलते हैं और इसमें चलना है बाइक वाले को, रिक्शे वाले को। आपकी किस तरह ड्यूटी है यहाँ पे, थोड़ा सा इस तरफ आ जाएँ ताकि ये कौन में से अभी तो फिलहाल जो ये जो पॉइंट की बात है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। पॉइंट की बात मुझे नहीं बताएंगे? नहीं वो नहीं। पॉइंट की बात तो भाई बता देना ताकि लोगों को पता चले। नहीं वो तो पॉइंट की बात भी आप छुपा लेंगे? नहीं, जो हमारी महकमे की पॉइंट की बात वो नहीं बताई जाएगी आपको। महकमे की कौन सी पॉइंट की बात? मैंने पूछा कि आपकी ड्यूटी यहाँ किस लिए है? यही है कि जो कौन सी लगी हुई है ना। ठीक है, इसमें लोगों को अवेयरनेस है और ये इनकी हिफाजत भी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाए ताकि आपको कोई बाइक वाला साइड ना मार जाए। नदीम भाई, आप भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट और अजीज हैं। अच्छा, कि आप अवेयरनेस के लिए हैं? जी जी, और कोई मकसद नहीं है? ये मकसद है इनकी हिफाजत भी कर। कौन की हिफाजत के लिए? ये बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो आपको कैनाल पे या माल पे या जेल रोड पे तो जहाँ कौन लगी है, अगर साथ कोई ट्रैफिक वार्डन उसकी हिफाजत के भी लगा के लिए खड़े हुए हैं। हाँ, तो ये महकमे की पॉइंट की बात थी, कोई और इसके अलावा? इसके अलावा और भी बहुत हैं। कान में बता दें? नहीं नहीं। अच्छा जी, महकमे की खुशी खुफिया बात भी है जो नदीम भाई कह रहे हैं वो मैं आपको नहीं बताऊँगा कि महकमे ने मुझे असल ड्यूटी क्या दी है। हमें वो ये बता रहे हैं कि मेरी ड्यूटी इन कौन की हिफाजत करना है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ऊपर, ये देखें बाइक भी और रिक्शा भी, ये सब इधर से गुजर रहे हैं, इधर से ही जा रहा है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। इन्होंने 2000 का चलान हो रहा है आजकल, आपको पता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ इन्होंने अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं। इस लाइन में नहीं आना? नहीं आना, ये 100% है, मैं इशारे भी करूँगा ये लोग नहीं है। तो फिर ये सिलसिला कैसे हल होगा? ये तो अल्लाह ही करे। लेन लाइन का कितना चलाना है उसका? तो 200 रुपये। 200 रुपये चलाना लेन लाइन का जो है? 200 है रिक्शे का, उसका 500 है गाड़ी का, लादा है गाड़ी का, लादा है लेन लाइन की खिलाफ वर्जी पे। लेकिन वो पता वहीं चलेगा उस इशारे पे जाके, मतलब इशारे में अगर बाइक वाला एक्सट्रीम राइट पे गया हुआ है पे कैमरे लगे हुए तो वो कर लेगा कैमरा का इंतजाम। हाँ, तो यहाँ पे जिस तरह मर्जी आप जाते रहें चलते रहें। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। और अब ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में, अगर मैं कौन की एक गिने, कितनी कितनी तादाद है कौन की? ये 30 कौन। और कितना एरिया में लगी थी ये? एक लगती है। एक लगती है, तो ये वो अंडरपास तक थी इस साइड से, इस तरफ से थी।